So guys, we are doing the PT 365 quality, and this is the fifth session. The topic is elections. So शुरू करते हैं. तो क्या है इलेक्शन में? हाँ, पहला टॉपिक है इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट बिल आया एक. तो वही अभी बिल है, मतलब ये तो इसमें जो मेन चीज याद रखने का है ना कि ये क्या क्या अमेंड करेगा. एक तो आरपी 1950 को अमेंड करेगा, एक आरपी 1951 को अमेंड करेगा. तो उससे पहले ये बताना चाहिए कि दोनों में डिफरेंस क्या है. आरपी 50 और 51 में तो क्या डिफरेंस है कि जो आरपी 1950 है वो तो बोलता है कि एलोकेशन ऑफ सीट्स एंड लिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी, मतलब कि कितने सीट्स होंगे और जो भी डिलिमिटेशन करना है कॉन्स्टिट्यूएंसीज का फॉर इलेक्शंस इन स्टेट असेंबलीज एंड पार्लियामेंट, तो दोनों का. और फिर क्वालिफिकेशंस क्या होंगी वोटर्स की और इलेक्टोरल रोल से रिलेटेड. फिर आरपी 1951 में क्या है कि इलेक्शंस कैसे कंडक्ट होंगे हाउस ऑफ पार्लियामेंट और अपने स्टेट लेजिस्लेचर में, और क्वालिफिकेशंस और डिसक्वालिफिकेशन क्या होंगी, मेंबरशिप ऑफ दोज हाउसेस और करप्ट प्रैक्टिसेस, और मतलब वही डिसक्वालिफिकेशन और जो भी करप्ट प्रैक्टिसेस है या अदर ऑफेंसेस है इन कनेक्शन विद सच इलेक्शंस. तो डिफरेंस इंपॉर्टेंट है. तो पहले वाले में तो एलोकेशन ऑफ सीट्स और डिलिमिटेशन से रिलेटेड है. दूसरा है क्वालिफिकेशन ऑफ वोटर, इसमें क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ द हाउस है, इसमें प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स और इसमें करप्ट प्रैक्टिसेस और इस सब से रिलेटेड है. ये डिफरेंस देखना इंपॉर्टेंट है. फिर इसमें बताया गया है कि क्या क्या चेंज करना चाहते हैं. तो 1950 में क्या बोला गया है कि ना जो इलेक्ट मतलब आप अगर आपको इलेक्टोरल रोल में रजिस्टर होना है तो अपना नाम दे दो और फिर जो इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर होगा वो वेरीफाई करेगा और आपका नाम इंक्लूड हो जाएगा. लेकिन अब ये क्या अमेंडमेंट करना चाहते हैं, तो आपको आधार कार्ड चाहिए वेरिफिकेशन के लिए. तो बस यही है, इसमें आधार कार्ड चाहिएगा. तो ये देखना. और फिर है कि क्वालिफिकेशन डेट फॉर एनरोलमेंट. अभी क्या होता है कि अगर मान लो आपको वोटर आईडी कार्ड बनवाना है तो जनवरी 1 के बाद आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो देखी जाती है कि आप 18 साल के हुए या नहीं हुए. लेकिन उसमें क्या था कि अगर मान लो कोई जनवरी 1 के बाद हुआ है, जैसे कोई जनवरी 20 को हो गया, तो उसको पूरा साल वेट करना पड़ता था अगले जनवरी 1 तक ताकि वो अपना वोटर आईडी बनवा सके. लेकिन इस एक्ट में क्या कर दिया गया कि चार बार मतलब ऐसी डेट दे देंगे कि जनवरी 1, अप्रैल 1, जुलाई 1 और अक्टूबर, तो चार बार के बाद बनवा सकते हैं ऐसा. फिर है तीसरा जेंडर न्यूट्रल प्रोविजंस. तो इसमें क्या था कि अगर कोई वाइफ है, हाँ, तो इसमें वाइफ टर्म यूज करी गई थी ये. तो अगर मान लो कि कोई पर्सन है आर्म्ड फोर्सेस का या सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कि आउटसाइड इंडिया पोस्टेड है, तो वो या तो यहाँ के वोट दे सकते हैं या फिर क्या कहते हैं पोस्टल बैलेट से दे सकते हैं. लेकिन अब उस वो जो वाइफ टर्म था उसको हटाकर स्पाउस कर दिया गया टर्म, बस यही डिफरेंस है. फिर ये अगला एक है कि पहले क्या था कि जो मतलब जहां पर इलेक्शन कंडक्ट होता था वहां पर क्या था कि पोलिंग स्टेशन हो सकते थे या बैलेट बॉक्सेस को स्टोर कर सकते थे. अभी उसके अलावा भी काफी सारी चीज है, जैसे कि काउंटिंग एंड स्टोरेज ऑफ वोटिंग मशीन्स, पोल रिलेटेड मटेरियल्स और एकोमोडेशन ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेज पर पोलिंग पर्सनल, सब वही होगा. तो उससे रिलेटेड ये कुछ चीजें है वो देख लेते हैं कि जो अपना ये है ना इलेक्टोरल सिस्टम. तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन से आर्टिकल में मेंशन है, अंडर आर्टिकल 324. तो पार्ट है ये 15 और 324 टू 329 इलेक्शन से रिलेटेड है. तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इंडिया में दी गई है, मतलब 18 साल के बाद आप वोट कर सकते हो, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा आपसे रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और एनी ऑफ देम. तो कोई बताएगा कि 21 साल एज थी हमारी, उसके बाद 18 कर दी गई थी, तो कौन से अमेंडमेंट से किया गया था ये सब? यस करेक्ट मैम, 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1989 से किया गया था. फिर उन्होंने रिजर्वेशन भी दे रखा है एससी एसटी को, तो ये देख लेना. और फिर डीलिमिटेशन कमीशन आते हैं आफ्टर ईच सेंसस, तो वो मतलब सीट का रीएलोकेशन करते हैं. तो अभी मतलब जो हमारा सेंसस तो हुआ नहीं था, तो मतलब अभी डीलिमिटेशन कमीशन नहीं आया, तो अब इसको 2026 तक सेम सीट्स बोला गया है कि मतलब जब तक अभी डीलिमिटेशन कमीशन नहीं आएगा.
क्या क्या कैसे कैसे वोट डल सकती है, जो ये फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है वो तो लोकसभा के लिए है, और राज्यसभा के लिए क्या है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। फिर पॉलिटिकल पार्टीज आर इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ इलेक्टोरल प्रोसेस। अच्छा, इसमें क्वेश्चन था मेरा कि जो राज्यसभा के इलेक्शन होते हैं उसमें जो मेंबर्स चुन के जाते हैं हमारे, तो उसमें क्या मतलब कौन वोट करता है, कहाँ से जाते हो, कौन चूज करता है उन्हें। तो जो भी इलेक्टेड मेंबर्स है ना स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के, वो करते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्टेड मेंबर, और यूनियन टेरिटरीज से वो इलेक्टोरल कोलाज के थ्रू इलेक्ट होते हैं, और फिर बाकी तो नॉमिनेटेड होते हैं 12 जो ये करता अपना प्रेसिडेंट करते हैं। फिर इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड कुछ ये चीजें बता रखी है कि भाई पहले मतलब उन्होंने पैसा बढ़ा दिया है, मतलब जितना पैसा खर्च करते थे पहले उसको बढ़ा दिया है। क्यों बढ़ाया है, क्योंकि उन्होंने बोला भाई इन्फ्लेशन वगैरह आ गया है और पॉपुलेशन भी बढ़ गया तो खर्चा भी बढ़ गया, तो उन्होंने लोकसभा इलेक्शंस में तो 70 से 95 लाख कर दिया है बिग स्टेट्स के लिए, और 54 से 75 कर दिया स्मॉल स्टेट्स के लिए, और असेंबली के इलेक्शन में 28 से 40 लाख कर दिया है बिग स्टेट्स के लिए, और 20 से 28 कर दिया है स्मॉल स्टेट्स के लिए। तो ये सब तो इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, इसमें ये है कि जो आरपीए एक्ट है हमारा 1951 वाला, उसके अंडर क्या कर सकता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, एक्सटेंड कर सकता है इलेक्शन का टाइम। और हाँ, इसमें दो तीन चीज इम्पोर्टेंट है कि जो अगर मान लो उन्होंने इलेक्शन को एक्सटेंड किया है, तो ऐसा होता है ना कि जो लोकसभा का जो टर्म है वो खत्म होने वाला है, तो उससे पहले इलेक्शन कंडक्ट कराने इम्पोर्टेंट होते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो डेट अनाउंस करता है, लेकिन वो जो इलेक्शन की डेट है वो टर्म खत्म होने के बाद नहीं हो सकती, तो उससे पहले इलेक्शन खत्म कराने पड़ेंगे। और टर्म जो है हाउस की कब एक्सटेंड हो सकती है, ओनली इन एमरजेंसी डिक्लेयर्ड बाय पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट जब डिक्लेयर करेगा एमरजेंसी जब भी, तो उसमें है बस ये। तो कौन से तीन ग्राउंड है नेशनल इमरजेंसी के, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन नेशनल इमरजेंसी के लिए। और स्पेशल मेजोरिटी चाहिए वो करने के लिए, और रिवोक करने के लिए सिंपल मेजोरिटी सिर्फ लोकसभा कर सकता है। और एक और इसमें था ना कि इनडेफिनिट टाइम के लिए एक्सटेंड हो सकती है, लेकिन हर 6 महीने के बाद अप्रूवल चाहिए। तो ये चीज याद रखना। फिर अपना आता है एंटी डिफेक्शन लॉ। अभी मतलब कोलकाता हाई कोर्ट ने जो वेस्ट बंगाल असेंबली के स्पीकर है उन्होंने डेडलाइन दी थी कि आप भाई डिफेक्शन केसेस है उनको सबमिट हो, मतलब खत्म करो। फिर उससे डिफेक्शन क्या होता है कि ये एक टाइप का वो है प्रैक्टिस है फॉर फ्लोर क्रॉसिंग बाय अ मेंबर ऑफ वन पॉलिटिकल आउटफिट टू अनदर, तो हॉर्स ट्रेडिंग भी बोलते हैं। तो कैसे शुरू हुआ था, एक वो टर्म यूज होती थी कि हरियाणा में एक थे एमएलए, तो उन्होंने क्या किया था कि 3 बार पार्टी चेंज कर ली थी एक ही दिन में, तो उसको बोलते हैं आया राम गया राम, उनका कुछ राम ऐसे कुछ करके नाम था, तो उसके बाद ही मतलब ये टर्म बोला गया था आया राम गया राम। तो उसके बाद ये एंटी डिफेक्शन लॉ आया था, तो इसको हॉर्स ट्रेडिंग भी बोलते हैं। तो इसमें क्या क्या प्रोविजन है, एक तो ये 10th schedule में आया था, 10th schedule कब आया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, बाय 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985। तो ये डिफेक्शन बताता है। अच्छा, तो ओरिजिनली हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कितने स्केड्यूल्स थे बताएगा कोई? सॉरी मैम, 395। क्या बोल रहे मैम आप? तो ओरिजिनली 8 schedules थे और 9th schedule तो ऐड हुआ था ना फर्स्ट अमेंडमेंट में, फिर उसके बाद 10th schedule ऐड हुआ है अपना 52nd अमेंडमेंट से, और 11 और 12th schedule क्या है और कौन से अमेंडमेंट से एक्ट हुए थे वो ऐड हुए थे।
174 ना दिस फोर पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज। करेक्ट, 73 और 74 सेड हुए थे 11, 12 पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज। तो देख लेते हैं डिस्क्वालिफिकेशन कैसे हो सकता है इसके अंदर। तो या तो कोई वॉलंटरीली गिव अप कर दे अपनी मेंबरशिप को, या फिर मतलब अपनी पॉलिटिकल जो पार्टी है उसके खिलाफ ही वोट कर दे, या उसकी बात ना माने तो 15 दिन के अंदर पार्टी उसे निकाल के बाहर फेंक देगी। फिर इंडिपेंडेंट मेंबर है कोई तो वो इलेक्शन जीत गया और उसके बाद उसने कोई पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लिया तो भी, तो अगर इंडिपेंडेंट मेंबर है अगर, लेकिन नॉमिनेटेड मेंबर है और वो इलेक्शन जीत गया कोई से हाउस में आ गया उसके बाद भी वो ज्वाइन कर सकता है, बट अंटिल 6 मंथ्स, मतलब 6 महीने तक वो ज्वाइन कर सकता है। अगर उसके बाद करेगा तो उसे भी निकाल देंगे, मतलब डिस्क्वालीफाई कर देंगे। और हाँ, इसके कुछ एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शंस क्या है कि अगर मान लो कोई पार्टी के कोई मेंबर्स है वो दूसरी पार्टी में मर्ज हो रहे हैं तो कितने मेंबर होने चाहिए, एटलीस्ट 2/3, एटलीस्ट 2/3 मेंबर्स मर्ज होने चाहिए दूसरी पार्टी में। और दूसरा है कि अगर मान लो वो कोई स्पीकर बन गया या चेयरमैन बन गया राज्यसभा का कोई पर्सन, तो वो अपनी पार्टी को छोड़ भी सकता है फिर दोबारा भी ज्वाइन कर सकता है। तो तीसरा जो एक और एक्सेप्शन था इसमें कि मतलब स्प्लिट का, ये तो मर्जर का था ना, एक स्प्लिट का भी ऑप्शन था जिसमें 1/3 मेंबर अगर स्प्लिट करेंगे तो, लेकिन वो 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है 2003 से डिलीट कर दिया गया। कौन है डिसाइडिंग अथॉरिटीज पूरे केस में, प्रिसाइडिंग ऑफिसर है। और हाँ, मतलब प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास ही सारी पावर होती है। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है ना उसका, पहले वो जुडिशियल रिव्यू के अंडर नहीं था, फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने, ये केस का नाम याद रखना कि हो तो होलोवन केस 1992, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है उसके डिसीजन को जुडिशियल रिव्यू के अंडर ले लिया। ठीक है, और कोई टाइम लिमिट ऐसे मतलब दी नहीं गई है कि इतने टाइम में सारा केस को डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा, लेकिन प्रिसाइडिंग ऑफिसर को बोला गया है कि आप जल्दी से जल्दी मतलब विद इन रीजनेबल टाइम इसको डिस्पोज ऑफ करो इस केस को। तो ये है इसे। फिर अपना एक आता है इलेक्टोरल बॉन्ड्स। तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स मतलब अभी ये क्या, ये कुछ आया था एडीआर रिपोर्ट आई थी, तो इन्होंने कहा था कि जो 8 नेशनल पार्टीज हमारी उसमें से 4 जो है बीजेपी, आईएनसी, आईटीसी, एनसीपी, इनका जो है 62% पैसा इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू आ रहा है। तो देख लेते हैं फिर इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो है वो इंटरेस्ट फ्री फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसमें कि जो पैसा देने वाला आदमी है वो एनोनिमस रहता है और ये सारा पैसा मतलब पॉलिटिकल पार्टीज कलेक्ट कर रही थी। तो एक प्रॉमिसरी नोट की तरह है, तो बताइए कोई प्रॉमिसरी नोट क्या चीज होते हैं। ओके, तो प्रॉमिसरी नोट क्या होता है कि मान लो, तो इसके नाम से पता चल रहा है कि प्रॉमिस टाइप की चीज कर दी है मैंने। तो इसमें क्या है कि अगर मान लो मैं किसी को कोई पेपर पे लिख के दे दूं कि मैं ये इतने 1 लाख रुपए का ये है मैं आपको इतनी तारीख को दे दूंगा, तो वो एक टाइप का प्रॉमिस की तरह मतलब क्या कहते हैं एक्ट करेगा कि हाँ भाई मैंने प्रॉमिस किया है तो मेरे को देना ही पड़ेगा। तो ये बाइंडिंग हो जाता है मतलब मेरे पे और लेने वाले पे कि हाँ मतलब इतनी तारीख को पैसा मिलेगा ही, तो इस टाइप की चीज है। सॉरी मतलब क्या होगा कि जैसे मैंने पैसा दिया है किसी को प्रॉमिसरी नोट के थ्रू, तो क्या है कि वो मेरे पास एक प्रूफ है हाँ कि मैंने इन्हें पैसा दिया था, तो मान लो फ्यूचर में वो ऐसे मना नहीं कर सकते कि इसने मेरे को पैसा नहीं दिया, तो इस टाइप की चीज है प्रॉमिसरी नोट। तो बाद में मुझे मतलब एक गारंटीड रिटर्न मिले मतलब मिलेगा कि हाँ भाई मुझे कन्फर्मेशन होगी कि मुझे पैसा मिलेगा ही, तो एक टाइप का प्रॉमिस होता है वो। तो क्या है कि सिर्फ एक सिटीजन ऑफ इंडिया या कोई बॉडी जो कि इंडिया के अंदर है वही ये परचेज कर सकती है बॉन्ड्स। तो कितने कितने रुपए के बॉन्ड्स है, या तो 1,000, 10,000, 1 लाख, 1 मिलियन और 10 मिलियन। तो कहाँ से कर सकते हैं कि सिर्फ SBI जो है, ये चीज याद रखना बहुत, ये किसी मतलब टेस्ट सीरीज में बहुत क्वेश्चन आता है ये, वो बोल देते हैं कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स है वो आप किसी भी बैंक से खरीद सकते हो, नहीं सिर्फ SBI से खरीद सकते हो, वो भी कुछ सेलेक्टेड ब्रांचेज है उसकी। फिर आता है कि
तो हर महीने की 10 तारीख को, मतलब जनवरी अप्रैल जुलाई को, मतलब आप परचेज कर सकते हो। और इनका लाइफ स्पेन क्या होगा कि मतलब आपने अगर आज परचेज कर लिया तो आपको 15 दिन के अंदर मतलब ऐसा पैसा देना पड़ेगा। और फिर है, हाँ, कौन कौन पार्टीज एलिजिबल है इलेक्टोरल बॉन्ड्स के लिए? वही पार्टीज जिन्होंने एटलीस्ट 1% वोट सिक्योर किए हो लोकसभा में या स्टेट असेंबलीज में, और जो कि रजिस्टर्ड भी हों अंडर RPA Act 1951 के तहत। सिर्फ वही पार्टीज एलिजिबल है। तो ऑल पॉलिटिकल पार्टीज आर नॉट एलिजिबल, अगेन इम्पोर्टेंट, मतलब कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट कर सकते हो। फिर कब अनाउंस हुआ था? बजट में हुआ था 2017-18 में। हाँ, एक और चीज की कोई लिमिट नहीं है इसके ऊपर कि आप कितना भी बॉन्ड परचेज कर सकते हो, कितने भी पैसे का और कितनी बार भी। और फिर SBI जो है वो क्या करेगा, मतलब 15 दिन में वही पैसा देना है, लेकिन आप उस पैसे को कैश नहीं कर सकते हैं इन PM रिलीफ फंड। तो बस यही दो तीन स्टेटमेंट्स है जिसमें कंफ्यूज करते हैं, वो तो वो देखूंगा। फिर आता है EVM मशीन, न्यूज में थी। तो क्या हुआ है कि हाँ, EVM क्या होती है कि एक माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट है जो कि बिना इलेक्ट्रिसिटी के चलता है, सिर्फ बैटरीज के थ्रू। पहली बार कब इंट्रोड्यूस हुआ था? ये केरला वालों ने किया था 1982 में अपने यहाँ पर। तो इसके अंदर दो चीज होती है, एक तो कंट्रोल यूनिट, एक बैलेटिंग सिस्टम। तो हाँ, 1988 के अंदर RPA ने अलाउ कर दिया था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को टू यूज इलेक्ट EVM मशीन्स, लेकिन ये यूज काफी लेट हुई थी। अलाउ तो कर दिया था, लेकिन उसके बाद भी मतलब शायद 1998 या 9 के इलेक्शंस में यूज हुई थी है। फिर EVM क्या होती है? हाँ, इसके अंदर है ना सिर्फ आप 2000 मैक्सिमम वोट्स, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि सिर्फ 2000 वोट्स है जो मैक्सिमम, वही रिकॉर्ड हो सकती है एक EVM मशीन में। तो इसमें क्या होता है कि मैक्सिमम 64 कैंडिडेट्स को आप डाल सकते हो इंक्लूडिंग नोटा। और हाँ, अल्फाबेट ऑर्डर से आपके नाम लिखे जाएंगे, जो नेशनल पार्टीज है उनके कैंडिडेट्स के पहले नाम लिखे जाएंगे, फिर स्टेट पार्टीज के बाद में लिखे जाएंगे। इसके साथ एक और चीज आई थी, वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। तो क्यों आया था ये? क्योंकि अगर ऐसा बोलते थे कि भाई मैंने आज वोट डाल दिया और वो वोट गलती से किसी और को डल रहा है, मतलब मैं डाल तो अगर एक पार्टी को रहा हूँ लेकिन वो डल किसी और ही पार्टी को रहा है, तो वो वेरीफाई करने के लिए ये VVPAT आया था। तो इसमें क्या था कि एक जब आप वोटिंग डालोगे तो एक पेपर टाइप की स्लिप पे नाम लिखा आएगा आप उस पार्टी का जिसका आपने वोट डाला है। तो अगर मैं ए पार्टी को वोट डाल रहा हूँ तो उस ए पार्टी का नाम उस स्लिप पे लिखा आएगा 7 सेकंड्स के लिए। हाँ, 7 सेकंड्स के लिए लिखा आएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ आपने वहीं पे वोट डाला है। और फिर उसको बाद में वेरीफाई करना भी इजी होता है कि भाई जितनी वोट VVPAT में आई थी और जितनी वो एक्चुअल वोट है तो वो इक्वल है या नहीं, तो उससे वो पता चल जाता है। इसमें क्वेश्चन था मेरा कि जो ये नोटा से रिलेटेड, कि अगर मान लो किसी इलेक्शन में नोटा जो है वो 50% से ज्यादा दबा दिया गया, मतलब नोटा को 50% से ज्यादा वोट मिले हैं, तो क्या होगा? तो कुछ भी नहीं होगा। अगर नोटा अगर मान लो 99% वोट भी ले जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, जो बाकी के 1% वोट जो है उससे डिसाइड होगा कि कौन जीता इलेक्शन, क्योंकि हमारे इलेक्शन में मेजोरिटी ऑफ वोट्स चाहिए। तो अगर मान लो 99% नोटा को डल गई और जो आखिरी 1% है तो मान लो 10 वोट है, तो उन 10 वोट में से अगर मान लो किसी को 5 से ज्यादा मिल गया तो वही इलेक्शन जीत जाएगा। तो नोटा का कोई ऐसा सिग्निफिकेंस नहीं है, ये तो सिर्फ एक मतलब दिखाने के लिए कि हाँ हम एग्री नहीं कर रहे इलेक्शन से। फिर आता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो इलेक्शन कमीशन इश्यू करता है इलेक्शन से पहले। तो कब से कब तक रहते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट? जब जो इलेक्शन कमीशन है वो इलेक्शन की डेट को अनाउंस करेगा, और जब तक रिजल्ट अनाउंस नहीं होता जब तक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट मतलब ऑपरेशनल रहता है। तो इसमें क्या है, मतलब कुछ रूल्स वूल्स है कि भाई कैसे इलेक्शन होने चाहिए और फ्री एंड फेयर इलेक्शन कैसे होंगे, तो उससे रिलेटेड कुछ रूल्स कुछ कंडक्ट्स बनाए गए हैं। तो वो है ये।
अंडर आर्टिकल 324 वही इलेक्शन कमीशन को पावर है कि वो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शंस कराता है, और जो पंचायत के इलेक्शंस है वो कौन कराता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन। हाँ करेक्ट मैम। फिर अपना आता है फर्स्ट टाइम केरला में इंट्रोड्यूस हुआ था, और फर्स्ट टाइम आया कब था ये? 1971 में। हाँ एक ये चीज याद रखना कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इज नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ, तो लॉ से कोई एनफोर्सिएबल नहीं है, लेकिन कुछ कुछ जो इसके प्रोविजंस है वो एनफोर्सिएबल है अंडर आईपीसी सेक्शन सीआरपीसी और आरपीए एक्ट। तो हाँ ये है, तो आईपीसी 1860 में आया था, ये भी चीज याद रखने का, मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है, और सीआरपीसी 1973। फिर है स्टार कैंपेनर स्टेटस, तो सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि ये जो स्टार कैंपेनर स्टेटस है इसको हटा दिया जाए। तो क्या होते हैं स्टार कैंपेनर्स? ये मतलब एक फेमस कोई पर्सन होते हैं, तो पॉलिटिकल पार्टीज उन्हें लेके आती है इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए, ताकि मतलब उनकी पार्टी की थोड़ी वैल्यू दिखे कि हाँ भाई बड़े लोग भी इनके साथ खड़े हुए हैं। तो ऐसा मतलब कहीं मेंशन नहीं है स्टार कैंपेनर, तो कोई बॉडी इसे कंट्रोल नहीं करती स्टार कैंपेनर्स को। तो इसमें क्या है कि जो रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी है वो तो 40 स्टार कैंपेनर्स होंगे उनके पास, और जो अनरिकॉग्नाइज्ड है उनके पास 20 होंगे। और अभी मतलब पेंडेमिक में इनका नंबर कम कर दिया गया था 40 से 30 और 20 से 15 कर दिया गया था। तो जो स्टार कैंपेनर्स की लिस्ट है वो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को बतानी पड़ेगी और इलेक्शन कमीशन को बतानी पड़ेगी एक हफ्ते के अंदर अंदर, जब भी इलेक्शन की डेट आएगी तो उसके अंदर के कौन होंगे हमारे 40 स्टार कैंपेनर्स। फिर इसमें अगला है कि डिलिमिटेशन कमीशन, तो डिलिमिटेशन कमीशन तो आते रहे, मतलब चार बार आया आज तक बस, ये 1952, 63, 73 और 2002 में। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि ये जेएनके को मतलब जैसे यूएनटी बना दिया गया, तो इसका भी डिलिमिटेशन करना पड़ेगा, और फिर असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड का भी करना पड़ेगा। तो उससे रिलेटेड अभी मतलब डिलिमिटेशन कमीशन बनाने की सोच रही है। तो इसमें क्या होता है कि बाउंड्रीज को फिक्स कर देते हैं टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बेस्ड ऑन पॉपुलेशन, तो सेंसस के बेसिस पे करता है डिलिमिटेशन कमीशन। तो इससे रिलेटेड दो एक्ट्स है, एक तो आर्टिकल 82 और एक आर्टिकल 170। तो आर्टिकल 82 किसके बारे में बात करते हैं? डिलिमिटेशन एक्ट आफ्टर एवरी सेंसस, और आर्टिकल 170 के स्टेट्स डिवाइड होने चाहिए टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज पे। तो जो डिलिमिटेशन कमीशन है वो हमारा हाई पावर बॉडी है, जिसको हम बाउंड्री कमीशन भी बोलते हैं। तो याद रखना कि बाउंड्री फिक्स करता है टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज की। और कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, और किसी भी जो इनके ऑर्डर होंगे ना डिलिमिटेशन कमीशन के, वो किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किए जा सकते। सो वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। फिर क्या है कि कौन कौन मेंबर होंगे? तीन मेंबर होंगे, एक तो सर्विंग या रिटायर्ड जज होंगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे और स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होंगे, जिस भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी में डिलिमिटेशन कमीशन को लाया जाएगा। फिर अगला प्रोजेक्ट है, अगला टॉपिक है ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। तो अभी ये मतलब हमारा एक नया पार्लियामेंट बन रहा है ट्राइंगल शेप में, तो उससे रिलेटेड है। तो किस बेसिस पे बना रही है कि भाई अब हमारी पॉपुलेशन बढ़ गई है, हमारे एमपी वेमपी के नंबर भी बढ़ जाएंगे डिलिमिटेशन के बाद, तो फिर हमारे पास जगह नहीं उनको बिठाने के लिए, तो हमें नया वो चाहिए। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन था कि एक टेम्पल है इंडिया में जिसका जो शेप है वो पार्लियामेंट की तरह है, वो कौन सा टेम्पल है? तो टेस्ट सीरीज वगैरह में काफी पूछ लेते हैं ये। तो एक 64 योगिनी टेम्पल के नाम से है मध्य प्रदेश में, जिसका जो शेप है वो हमारे पार्लियामेंट की तरह है, गोल गोल। तो शिवा टेम्पल है, तो बस यही याद रखना इसमें। तो और फिर एक फ्लोटिंग कॉन्स्टिट्यूएंसी का कंसेप्ट आता है। क्या होता है फ्लोटिंग कॉन्स्टिट्यूएंसी? जिसकी कोई बाउंड्री ना हो। तो अभी मतलब ये चाह रहे हैं कि जो कश्मीरी पंडित है वो भी इलेक्शन कंटेस्ट करे और वोट करे जेएनके में। तो ऑन द सिमिलर लाइंस इन सिक्किम, तो सिक्किम में फ्लोटिंग कॉन्स्टिट्यूएंसी का कॉन्सेप्ट है, जिसमें कि ये क्या कहते हैं, क्योंकि उसको आर्टिकल 371 के अंदर एक मतलब अलग से स्पेशल स्टेटस दिया गया है। तो इसमें क्या है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी ना उसकी कोई बाउंड्री नहीं है, ज्योग्राफिकल बाउंड्री नहीं है। तो बाहर के जो लोग हैं
वो भी वोट कर सकते हैं या कंटेस्ट कर सकते हैं उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर, क्योंकि जो नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंसी तो उसमें क्या होता है कि जो भी आदमी मतलब कंटेस्ट करेगा इलेक्शन वो रजिस्टर्ड होना चाहिए इलेक्टोरल रोल में इन दैट कॉन्स्टिट्यूएंसी, बट फ्लोटिंग कॉन्स्टिट्यूएंसी में ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसा भी है ना कि नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंसी में तो अगर मैं यहाँ पर इस डिस्ट्रिक्ट में वो रजिस्टर्ड हूँ तो मैं सिर्फ यही वोट कर सकता हूँ, मैं कहीं और जाके वोट नहीं कर सकता, लेकिन फ्लोटिंग कॉन्स्टिट्यूएंसी में कोई कहीं भी वोट कर सकता है, कोई कुछ भी कर सकता है, तो उस टाइप का चक्कर है। फिर उसके बाद आया था एक वन नेशन वन लेजिस्लेटिव पोर्टल, तो इसमें क्या है कि हाँ मतलब एक इस टाइप का पोर्टल बनाने की बात कर रहे हैं जिसमें कि जो पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है हमारा वो उसमें सारे जो स्टेट असेंबलीज है वो कनेक्ट हो जाएंगे और उनके मतलब जो भी प्रोसीजर है और जो डिस्कशन विस्कशन है वो फास्ट हो जाएगा। तो अगर स्टेट को किसी से बात करना है, मतलब पार्लियामेंट को स्टेट से बात करना है या किसी एक स्टेट को दूसरे स्टेट से बात करना है तो वो इस टाइप के पोर्टल उनका होगा। तो ये है तो जो ये ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस है, ये एक एपेक्स बॉडी है ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ इंडिया फाउंड 1920 में, तो 100 साल पूरे हो गए से तो पूछ सकते हैं। और हेलो, हाँ मैम बोलो। मेरा ये डाउट था कि जो लोकसभा और राज्यसभा के लिए जो सीट रिजर्व्ड है वो 1971 के सेंसस के हिसाब से है ना, और एससी एसटी के लिए जो सीट रिजर्व्ड है वो 2002 के सेंसस के डिलिमिटेशन कमीशन ने जो बोला उसके हिसाब से है क्या? हाँ, जो डिलिमिटेशन कमीशन है उसने 1971 वाला ही सेंसस यूज किया था, वो उसके बाद से तो मतलब कुछ चेंज नहीं हुई है सीट्स 1971 का यूज करते हुए। तो और कुछ है क्या, किसी को कुछ पूछना है बताना है? Okay, so thank you guys for joining the session.